समाचार और आप देख रहे हैं पल पल। जब से पूरे देश में कोरोना के चलते लॉकडाउन हुआ है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखा जा सके, लेकिन इस बीच पूरे देश में जहां पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अपनी जान दांव पर लगा करके लोगों की सेवा कर रहे हैं, वहीं कई जगह पर पुलिस टीम पर भी हमले की खबरें सामने आई है। इतना ही नहीं, एक पुलिस कर्मचारी का तो हाथ भी काट दिया गया था। इसके अलावा कई पुलिस कर्मचारी भी घायल हो गए। ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं जो पुलिस कर्मचारियों को टारगेट कर उन पर हमला कर रहे हैं। हालांकि कई जगह इन्हें पुलिस ने भी घेरा है और जगह जगह आत्मसमर्पण की अपील भी की जा रही है। पूरे देश में इस समय पुलिस पार्टी पर हमले की आलोचना की जा रही है। इसके लिए कई जगह पुलिस के बड़े अधिकारियों ने साफ निर्देश जारी किए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखने के लिए तथा लॉ एंड ऑर्डर, जो कि एक महत्वपूर्ण विषय है, इसका भी पुलिस को ख्याल रखना है। इस तरह की घटनाएं अलग अलग जगह हो रही हैं। ऐसे ही घटनाओं की पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में निंदा की जा रही है। इस समय स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस पूरे देश में अपने बच्चों से दूर, अपने घर परिवार से कहीं अलग देश की सेवा में लगे हैं ताकि समाज सुरक्षित और स्वस्थ रहे। इसके साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों पर जो हमले हो रहे हैं वो भी निंदनीय हैं। स्वास्थ्य कर्मी तो कई कई दिनों तक अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें अपने बच्चों को देखना भी नसीब नहीं हो रहा। इन सब के बावजूद हम लोग अपने परिवार में सुरक्षित हैं। उनकी लड़ाई केवल कोरोना से नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक संदेश देना है कि हम इस घातक बीमारी से अवश्य जीतेंगे। बल्कि कई जगह तो स्वास्थ्य कर्मियों ने दुगना वेतन लेने से भी इनकार कर दिया। पूरे देश में जहां संकट की घड़ी में लोग सहायता के लिए आगे आ रहे हैं, वहीं कुछ उपद्रवी लोग हैं जो देश में अर्थव्यवस्था पर तथा कोरोना से इस जंग में देश के उन सिपाहियों पर हमला कर रहे हैं जो हम सब के लिए अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं कर रहे। हालांकि वो जानते हैं कि बाहर निकलना तथा अस्पतालों में ऐसे मरीजों की सेवा करना भी मौत को बुलावा देना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में कोरोना मरीजों के बीच में रहने की वजह से, हालांकि पूरे प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी डॉक्टर और स्वास्थ्य के लिए काम करने वाले स्टाफ सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसमें कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। ज़िंदगी की जंग वे अवश्य हारे हैं, लेकिन देश और दुनिया के इस जंग में वे अपना योगदान अवश्य दे गए। हमारी भी आप सभी से निवेदन सहित ये विनम्र प्रार्थना है कि आप कभी भी ऐसा न करें बल्कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की सहायता करें, क्योंकि तभी हम इस विश्व की सबसे बड़ी जंग में जीत पाएंगे। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट।